वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो नीचे दिते हुए लाल बटन नूं दबा के चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि साडियां आने वाली वीडियो तुहानूं सब तो पहला देख सकन। आओ हुण कैमो मेरे वीरो तुहानूं कुछ सुनाईए फोन दे उत्तों तुहानूं एक रिकॉर्डिंग एक वीडियो खालदे आ। सो सानू जो असी बोलते हैं ना यार तुम उन्हों का साथ दो इदा करो सानू कह देंगे रौला पाई जाने बैठे उत्थे सब कुछ ओके आ सब सारा कुछ ओके आ पर जे उत्थों के साडे भरा बैठे आ ना उन्होंने जबानी सुन लो असी उन्हों दी गल्लां उन्हों दी जिहड़ी जो आवाज़ साढ़े तक पहुँचती है अं उ तुहानूं सुनाउण की कोशिश करते हैं। सो साडे ते ब्लेम चक के ना ला दिया करो कि तुम बैठे रौला पाई जाने सो आप ही सुन लो आ जिहड़ियां कुछ गल्लां ने। शुकराना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिन्होंने सानू संत भी बनाया ते सिपाही भी बनाया ते नाल ही दूसरा शुकराना श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल चलदा वहीर 96 करोड़ सिंह साहिब बाबा मान सिंह साहिब जी ते नाल ही सिंह साहिब बाबा अमन सिंह साहिब जी जिन्हां ने प्यारे भाई हिम्मत सिंह साहिब जी मुखल मिसल दे जो मुखी हन ते नाल ही समूह तरना दल सारी इथे मोर्चे ते बैठे हन। सो वीर जी जिवें बेनती है सो आप जी साडे पिछे वेख रहे होगे भी किवें पुलिस ने बैरीकेड कीता है। कल भी पुलिस ने बलडोजर बना के इथे कंध कढ़न दी कोशिश कीती है पर गुरु खालसे दे संजोग दे नाल और समूह वीरां ने कंध कढ़न तो रोकिया है। सो आपां दूसरी बेनती ए है भाई भी जिहड़ी वड्डी स्टेज है जिथे अपने सारे ही सिंगर वीर आउंदे हन उन्हां समारे ही सिंगर वीरां नूं ए बेनती है भाई भी तुसी एक ही स्टेज ते आके क्यों मुड़ जांदे हो कि रास्ते दे विच जे दो गुरुद्वारे मुड़दे हो मिलदे होण ते कि असीं एक ही गुरुद्वारे नूं मत्था टेक जांदे हां दरबार साहिब नूं असीं जदों जांदे हां ते कि असीं कल्ली हरिमंदर साहिब नहीं मत्था टेक के मुड़े आउंदे हां कि असीं बाबा बुढ़ा जी दी बेड़ी ते मत्था नहीं टेकदे कि असीं संतोख सर मत्था नहीं टेकदे कि असीं विवेक सर मत्था नहीं टेकदे ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਾਂ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਰੇ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। मैं पहला एक गल तुहानू दस दिया कि यह संघर्ष कमेटी वाले पासे बैठे वीर नहीं गे यह संयुक्त मोर्चे वाले पासे बैठे वीर ने जिहड़े बेनतियां उस स्टेज लई बेनतियां कर रहे आ वेखो ते असी किधर नू जा रहे हैं यह बेनतियां साडे भरा उस स्टेज लई जिथे पथराव हो रहा उस मोर्चे लई यह वीर बेनतियां कर रहे साडे साडे गुरु कीआं लाडलीआं फौजां देखो ते निम्रता वेखो लकड़ां दी वी लोड़ है ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਮੂਹਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18-19 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਈ ਨੂੰ ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਨਾ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਕੋ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਫੇਰ ਨੱਪ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਜੀ ਉਹ ਖੜਕਾਈ ਸੀਗੀ ਟਵਿੱਟਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ ਰਹਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਵੀਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰੀ ਚਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਗਏ जो ऊपर गए उनको बहका कर रहे हैं। पिछले 35 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हर बार हम कहेंगे पार्लियामेंट में जाएंगे, आर पार करेंगे। कोई जीवन में कोई पक्ष पा गया, कोई आंदोलन कर कोई पार्लियामेंट में गया, हाल किले पर कैसे आदमी चला गया, उनको बहका के उनको उकसा करके वहाँ पर भेजा गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको लाल किले को तुरंत तक जाने दिया गया और एक धार्मिक झंडा वहाँ पर उनसे नीचे कर लेते हैं। एक बड़ी साजिश है, इसकी जब जाँच होगी तब इतिहासों में किताब लिखी जाएगी इनका नाम। आपके ऊपर गंभीर धाराओं में हाँ, तो भी आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक तो नहीं, फिर अपना जेल में रहूँगा। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह किलेबंदी की गई है पूरी, क्या क्या मैसेज है इस तरह का, की लगाई हुई है? हाँ तो की लगा रही, किलेबंदी मजबूत किलेबंदी है ना, यही किलेबंदी जो गोदाम बनेंगे अनाज की उसके चारों तरफ रहेगी और लोग वहाँ भूख से तड़पते रहेंगे, तो ये किलेबंदी रहेगी, ये उसका एक मन। क्या है जो पूरी व्यवस्था है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसान जो वहाँ बैठे हैं राशन वगैरह ना ले जा पाए, इस तरह का है क्या? नहीं, उसका नहीं। ये किलाबंदी एक नमूना है, जब हमारा अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा तो उसके बाहर इसी तरह की किलेबंदी होगी, उसको कैसे भेज पाओगे। आपसे संजय राउत ने मुलाकात की है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, तो क्या क्या कुछ मीटिंग क्या क्या कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने वहाँ पे किसानों का भला करो, वहाँ तक कृषि मंत्री आए थे झारखंड से, वो जल लेकर आए थे वहाँ के किसानों की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से वो जल लेकर आए थे वहाँ पे, तो रात भी रुके और सुबह भी गए और उन्होंने भी वहाँ पे जो किसान आंदोलन वहाँ पे हुए करीब 2000 ट्रैक्टर के साथ में आंदोलन करा, लाखों आदमी जो विपक्ष वाले कोई नेता वहाँ पे होंगे उन्होंने यात्राएं निकाली वहाँ पर, और यही हाल बिहार का रहा। पटना में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग थे साहब, अभी एक अपने ट्वीट भी किया था कि जो कृषि जो बिल आया है या जो बजट पास किया है कृषियों के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं। हाँ कहाँ है कुछ, एफ सी आई कर दिया, खत्म कर दिया सब कुछ, जो गरीब को अनाज मिलता था वो खत्म होगा और किसान से खरीदारी बंद होगी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है, ये आंदोलन रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका। अच्छा, आपने एक मंच से पहले जब धरना चल रहा था उसमें ऐलान किया था कि नहीं मंच दिया जाएगा, और ना मंच दिया जाएगा और ना माइक देंगे ना भी देंगे। अगर चौधरी साहब, जिस तरह पूरा विपक्ष जो है और पूरे किसान है वो समय जो है किसान बिल के इस पक्ष में है कि ना पासों से वापस लिया जाए, तो सरकार का रवैया तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं पर टुकड़ा आ रही है। अब तो हमारे को क्या इलाज है, अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे 9 अक्टूबर तक का टाइम हो गया है, तो 1 अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे। तो ऐसा क्यों, 8 अक्टूबर तक को आपको क्या कैसा क्या महसूस हुआ? कहावत है किसी के बालक अगर कोई मेले में रड़ गया गढ़ के मेले में यातिगिरी में और वो नहीं मिला कहीं, तो वो अगले साल उस मेले में जरूर हुआ होगा, तो सरकार गई चली गई है, रड़ेगी सरकार तो हमें सरदार भी मिलेगी, अगले साल सरदार सर्दी में मिलेगी। चौधरी साहब, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद में 27 जनवरी की देर रात विरोध में जब किसानों का धरना चला था, पुलिस ने जबरन लाठी 5 पीओन को उठा दिया है। हाँ ये नहीं होना चाहिए था, और जहाँ धरना चल रहा था उन किसानों को फिर वहाँ पर धरना शुरू करना चाहिए। आज महापंचायत में क्या कुछ उम्मीद है? दिल्ली पर निगाह रखेंगे पंचायत के लोग। अच्छा हाँ, दिल्ली पर निगाह रखोगे धरने पर अपने और अपना खेती का काम भी करते रहो। लेकिन साहब, आप धरने पर एक बार भावुक हुए थे, रोए थे, उसके बाद में वापस से करीबन 10-15 ट्रैक्टर वहाँ पानी लेकर भी पहुँचे। हाँ पानी लेकर पहुँचे, वो गुस्सा पूरा गुस्सा इकट्ठा करा आम किसान का, तो पानी में कन्वर्ट करा, क्योंकि इतना गुस्से को पानी ही उसको ठंडा कर सकता था, वो जल पूरा वहाँ पर रखा गया है, पूरे देश भर से किसानों का गुस्सा जल में आया है, वो वहाँ रखा हुआ है, उसको सरोवर में और गंगा जी में, क्योंकि इतना गर्म तासी उसकी है, उसको उसमें प्रवाह करा जाएगा और वो समुद्र से जाएगा, बादल भर के वही किसानों की खेती को बरसेगा और इस आंदोलन का जो पे होगा जो आंदोलन का होगा वो जल होगा, हमेशा किसानों को उस जल की पूजा करनी चाहिए, जल को व्यस्त नहीं देना चाहिए, इसी जल में इस किसान आंदोलन को और किसानों की तगड़ी करनी चाहिए। अच्छा, क्या बड़ौत में दोबारा धरना रखना चाहिए किसानों को?
वो जो कमेटी थी उनको रखना चाहिए। चौधरी साहब, जो नंदकिशोर गुज्जर हैं उन्होंने किसानों के ऊपर काफ़ी कुछ बोला था, उसमें क्या कहेंगे आप? लोग कह रहे थे कि हम ही हटा देंगे किसानों को। पता नहीं, वो बोला पहले उसने आलू भी भिजवाए, वहाँ कम्बल भी भिजवाए, चिन्नी भिजवाई, फिर उसने क्या हुआ वो तो वही बता सकते। धरने पर समर्थन किया था उन्होंने? आए तो थे लेकिन उसके लोग आए थे, उसके नाम से सामान देखे थे उन्होंने भिजवाया।